तो मैं भी जरा देखूं इसके अंदर है क्या। काफी खूबसूरत लग रहा है, पानी गिर रहा है, पर ये नल लगा कैसे है यार। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है अजीत सिंह ब्लॉग्स में। आज हम लोग आपको लेके आए हैं लखनऊ का साइंस सेंटर, आंचलिक विज्ञान केंद्र। यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो बच्चों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और आप यहाँ पे फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने एंट्री टिकट ले लिया है, एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ पर हेड, और अगर आप बाइक से हैं तो 20 रुपये आपको पार्किंग देनी पड़ेगी, अगर आप कार से आते हैं तो 40 रुपये पार्किंग चार्ज है। चले चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये बॉल है, इसको उसके से हम लोग फेंकेंगे तो राउंड होता है, इससे यहाँ पर देखते हैं ना, इसको बोलते हैं द एरोबोटिक बॉल। आइए ट्राई करते हैं। चलिए गिराइए। क्या है ये? ये टग ऑफ वॉर है, रस्सी खींच, टग ऑफ वॉर। दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कोशिश करता हूँ मैं भी आने का। लपेटनी पड़ेगी रस्सी, लपेटिए, ठीक से लपेटिए इसे भाई। ये तो खुल गया, खुल गया, ऐसे कैसे होगा ये गलत। आप वहाँ से लपेटिए, आप उसे अब ये होगा है ना, आराम से लपेटिए। हाँ लपेटिए, आप देखिए लपटाएगा। हाँ ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग इसे। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा ढीला छोड़ रहा हूँ। क्या गियर ट्रेन, पुली वाला गियर, ये है वाम पहिया। ये कौन है, ये ऊपर की तरफ ये है कौन रंस, कौन ऊपर की ओर गति करता है, सेफ की वजह से। सेफ की वजह से साइंस सिटी में रैबिट भी है, चलकर देखते हैं हम कहाँ है रैबिट। साइंस सिटी के अंदर रैबिट भी है, कुछ खा रहा है ये गाजर कैरेट। और चलते हैं आगे, पार्क में क्या है आगे चलकर देखते हैं। अजीत भाई आगे निकल गए हम। ये है हिंता वेटलेसनेस, ऐसा फील हो रहा है आपको खींचने से। तेल नहीं पड़ा है बस। देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये है प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री, क्या कुछ दिखा आपको इसमें? यही दिख रहा है दोस्तों, मैं भी जरा देखूं इसके अंदर है क्या। आपको कुछ दिखा था, पॉइंट है यहाँ से, यही पॉइंट दिख रहा है यार। कितने हैं आगे, इसको राउंड करो, देखो ये देखो वो दिख रहा है, लग रहा है बाहर की तरफ निकलना है। यो है इसका नाम, इसको यो बोलते हैं। जाओ ऐसे गोल से घुमाओ, हाँ ये ऊपर, फिर अपने आप नीचे भागेगा भी। आया नीचे, अभी फिर से लपेट जाएगा उल्टा, इसीलिए इसका नाम यो है, यो हनी सिंह। चलो चलते हैं आगे। तो हम लोग सनडायल, सूर्य घड़ी, शैडो के हिसाब से, इसमें शैडो के हिसाब से टाइम पता चलता है। नहीं तो शैडो, उसका कोई पॉइंट होगा ना कहीं पे रखने का। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ मेजरमेंट बना हुआ है इसमें, ग्रेविटी चेयर। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन कुछ तो था, पर फिलहाल है नहीं। कैक्टस कॉर्नर, यहाँ पे अलग अलग तरह के कैक्टस लगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जितनी वैरायटी की होती है मे बी सारे वैरायटी के यहाँ पे कैक्टस। देखिए क्या है, कैमरा साधारण कैमरा, सिंपल कैमरा। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? दिख रहा है, देखिए इधर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं हम। ये देखो कैमरा कैसा दिख रहा है। अरे वाह यार, देखे जरा एक बार हम भी जरा, एकदम पास से देखो, पास से देखो, सामने का सीन दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है,
अंधेरा करके देखो, उल्टा दिख रहा है सीधा नहीं दिख रहा है। ग्रेविटी चेयर है भैया, बैठिए बैठिए, देखिए बिल्कुल महाराजा जैसे फील करेंगे किंग किंग ऑफ दिस साइंस सिटी अजीत भाई बैठिए तो पहले। अरे या ये सर, अच्छा अपने आप को उठाना, उठाइए, खींचिए खींचिए। अरे वाह बहुत ही अच्छा, बस हो गया। मुझे याद है जब मैं स्कूल से पिकनिक आया था, हाँ उसके मुंह में बोलो वो जो साइड है उसके उसके सुनाई पड़ता है मुंह में। कहाँ? वहाँ पे, इससे यहाँ पे, हाँ यहाँ से बोलोगे, हाँ हाँ, तो वहाँ पे जो है वो बना हुआ स्टैचू, ओके उसके सुनाई पड़ेगा। ये देखिए है ना, ये टैप चल रही है और पानी गिर रहा है, पर ये नल लगा कैसे है यार? देखिए पानी देखिए, चलिए चलकर देखते हैं क्या है समुद्र के अंदर का जीवन। काफी खूबसूरत सा नज़ारा, डंपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, एयर और ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। ये कोस्टल लाइफ, कोस्टल लाइफ, कोस्टल लाइफ, समुद्र के किनारे का जीवन। ओके सारी चीज़ें जानकारी दी गई है, सर्वाइवल आप देख सकते हैं, वर्ड्स ऑफ ओशियन, स्कूबा डाइविंग के। अजीत भाई देख रहे हैं चलाकर ये चल रहा है या नहीं, चल रहा है ना। ओके देखिए दोस्तों, पास से देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है, ये कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है सामने से ऐसे देखने पे, 3D ग्लास है ना, राइट वही लग रहा था मुझे, फील हो रहा है। ये दोस्तों ये 3D ग्लास है, आप जब यहाँ सामने से आकर देखोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आपको इसे देखने के लिए आना पड़ेगा लखनऊ का साइंस सिटी। देख सकते हैं दोस्तों इधर ये सभी 3D ग्लासेज हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है ये। अच्छा रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसमें रोटेट करना चाहिए। पूरे 3D विजन है दोस्तों, ये 3D विजन में आप सामने आके देखोगे तो समझ में आएगा आपको, साउंड इन द ओशियन, सी वाटर शॉट फ्रॉम द सी, नेविगेशन टेक्निक कैसे काम करता है, ये सिग्नल सैटेलाइट को कैसे भेजता है, फिर वापस कैसे अर्थ पे सिग्नल आता है ना, अर्थ से सिग्नल भेजकर वापस सिग्नल अर्थ पे आ रहा है। जब आप बचपन में आते थे तो चलता था ये, हाँ ये है डीएनए इज द शेयर्ड अमंग स्पीसीज, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। ओके ये है साइकिल चलाने के लाभ, चलाइए चलाइए साइकिल चलाइए। चौक पहुँच गए, अच्छा लखनऊ का टूर हो रहा है यहाँ पे है ना, वेरी गुड। इमामबाड़ा आ गए, अंदर भी जाएगा क्या भैया? यहाँ वाशु को लेकर आना चाहिए था आपको है ना, पंजा लड़ा है, आर्म रेसलिंग के, पता नहीं यहाँ पे था पर है नहीं, ये लग रहा है नहीं। ये क्या आप बैठे, लाइट चली गई, एक्शन रिप्ले। ओके आपकी आवाज़ कितनी बुलंद है, देखिए हाउ लाउडर यू आर, यहाँ चेक कीजिए बोलना है इसमें, इतना धीरे धीमा आप तो बास्केटबॉल खेलते थे ना। ओके
वेरी गुड। तो यहाँ देखिए अजीत भाई देख रहे हैं कुछ मेमोरी शार्प करने वाला नहीं मशीन, तो देख रहा है। हाँ क्या देख रहे हैं? एक नंबर का मैं पंखा। अच्छा कैसे क्लिक हो? टच नहीं काम कर रहा है इसका ठीक से। दोस्तों ये देखिए अपना ब्रेन कैसा दिखता है, हम लोग का अपना ब्रेन आप लोग देखिए दोस्तों। ह्यूमन रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन दिखा रहा। लाइट भी आ गई, काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखने और सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, बच्चे लोग आकर यहाँ देख सकते हैं और जानकारियाँ ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है ह्यूमंस के बारे में, लाइफ के बारे में। बहुत सारी मशीनरीज लगी हुई हैं, आप लोग देख ही सकते हो, हर तरफ काफ़ी कुछ नॉलेज के लिए दी गई है, सीखने के लिए, समझने के लिए। डायनासोर है नहीं? हाँ अभी नहीं है, पहले बहुत कुछ था इसमें तो। हाँ ये आपके डायनासोर आके सामने कुछ डायनासोर ही तो दिख रहा है, पर इससे पहले इधर का एक व्यू देखिए ये क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ डायनासोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप लोग इन्फॉर्मेशन पढ़कर जानकारी ले सकते हो। कितनी खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे सामने में कैफेटेरिया है। हाँ हाँ आप यहाँ पे तो देख रहा हूँ, एंजॉय कर सकते हो। राइट, पीने की चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ओके चलिए चलिए देखते हैं ऊपर में वहाँ पे क्या है। ओके चल रहे हो, दिखाया बॉडी में जो करंट होता है। हाँ हाँ तो भी मीटर पे दिखाएगा, दिखाइए। ये छुआ जी भाई ने, 20 वोल्ट का करंट है। कितना? 20 वोल्ट का। देखे जरा हमें कितना है भैया, एक ब्रास है और एक एल्युमिनियम। अरे बाप रे बाप, कितना? तुम्हारे 60 वोल्ट करंट है। अरे ये क्या, तुम्हारे आयरन ज्यादा होगा ब्लड में। बजाइए घूम रहा है, पता नहीं चल रहा है ना। हाँ निकालिए, आराम से निकालिएगा, निकालिए। टच कर गया। अरे ऑसमेट्री क्या है ये? हाँ ये दिख रहा है, हेड ऑन अ प्लेटर। आपको? हेलो। हाँ दिख रहा हूँ ये है सनी और मैं स्पिनिंग रेजर। ये इन्फिनिटी वेल, इसके अंदर की गहराई आपको नहीं दिखेगी, नहीं दिख रहा है ना दोस्तों। ये है इन्फिनिटी टनल, इसका आखिरी पॉइंट नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जादू दोस्तों, देखिए जादू, ये देखिए, वाह क्या बात है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना, बज रहा है। हाँ बज रहा है म्यूजिक और आप लोगों को सुनाई दे भी रहा होगा। उसके अंदर वो बॉल घूम रही है लेकिन इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। राइट देखते हैं आप लोग दोस्तों, अजीत भाई चला रहे हैं पेंडुलम को। आ रहा है इसमें पानी, भर रहा है धीरे 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 भर रहा है ये। बैरोमीटर देखिए, एयर निकल रहा है, हवा का प्रेशर, हवा का प्रेशर। इंजन कैसे होती है? वाह आ गया। ओके वो एरोडायनामिक दिखा रहा है कैसे बाइक का और कार का जो एरोडायनामिक बनाती है बॉडी। हाँ हाँ हवा कैसे पास होता है इससे। राइट
फ्लाई करेगा, टेक ऑफ नहीं कुछ और दिखा रहा है, ये कैसे हवा में उड़ता है, हवा में उड़ता है ये, इस तरह से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, हाँ तो हवा का प्रेशर मार रहा है ना, कहते हैं हवा वो दिखा रहा है। देखिए दोस्तों पानी में जो भंवर आते हैं कैसे बनते हैं, किस तरह से बनता है देख सकते हैं, फ्लोटिंग बॉल देखिए, वेरी गुड, सही है। रोटेटिंग बॉल, ओके, पुराने कंप्यूटर, सबसे पुरानी कंप्यूटर देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताई गई है। तो दोस्तों ये था लखनऊ का साइंस सिटी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने लायक और सीखने लायक, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, आपको इसी तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।